Okay friends, welcome again to the world of maths by Amye. On the suggestion of one of my friend, cum student, I am going to take same CAT 1905. It is a mock provided by Time Institute ka only quantitative aptitude. Okay, I am going to take the all questions of the quantitative aptitude and try ki for the each question on a phase 1, phase 2 or phase 3 or in an entire all question of phase 1, I'll discuss the concepts and my learning of that question. So, my own learning will be, I will apply that question. So, I'm going to solve the question with the my learning. If I solve it, what happens? Might be that you will get a more than one method. Question ko solve karne ka ek se zyada method hota hai. I'm not going to use the concepts all the books. If I books, likhun, to kya karunga? Okay? तो वेट करते हैं, वी हैव वन मोर मिनट. सारे क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा अटेम्प्ट करने का, सॉल्व करने का, अगर टाइम परमिट हुआ, बिकॉज मैं डिस्कस करूंगा सब क्वेश्चन को कि होता क्या है क्या नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू, अच्छा मैं मॉक दे रहा हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग पर से. इफ यू वॉन्ट टू लर्न दी कॉन्सेप्ट्स, आपको ऑब्वियसली पता होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स. मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो विद इन वन आवर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल 34 क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू डिस्कस जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा. ओके, सो माई वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इन सेम कैट 1905, लर्न माई मेथड. फाइन, तो वी हैव 30 मोर सेकेंड. आई एम मेडिटेटिंग, मैं एक डीप ब्रेथ ले रहा हूँ. दैट इज बिफोर ऑल द मॉक्स मैं जनरली करता हूँ. ओके, सो वी हैव 17 मोर सेकेंड. I have not attempted any of the question of the verbal and DI. So fresh mind hai. So we have 9 more seconds. Fine. So main tab mein use kar raha hoon as a notepad and screen pe wo hai. We have first question. Question number, this one is the A, B, C, D positive integers. Matlab AM, GM hai. Range nikalna hai. Positive integer jab bhi dikhta hai. To hum log sabse pehle maxima ya minima nikalte hai data equal to 1 pe. तो ये जो दिखेगा, ये दिखेगा 1 अपॉन 4 इंटू 4 का मतलब 1 अपॉन 16. तो जो आंसर होगा y का 1 अपॉन 16 होगा. मोर देन y तो हो नहीं सकता है. y मोर देन y नहीं सकता है. देयर इज अ टू रीजन. पहला रीजन है कि ए बी सी डी अगर आप जानते हो तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन है. और नीचे दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस वन इज अ 3 डिग्री का इक्वेशन. तो नीचे भी 4 डिग्री के इक्वेशन है बट 4 टर्म्स हैं. तो अगर आपके डिनोमिनेटर में ज़्यादा टर्म्स होते हैं सेम डिग्री का तो ये वैल्यू डिक्रीज करता है. बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप ए को 2 मान लो, एक वैल्यू चेंज करके देखो, बी सी डी को 1 मानो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 2. मुझको पता है आंसर 1 है, मैंने 1 मार्क कर दिया है, मैं सेव नेक्स्ट में जाऊंगा. बट यहां पे आप देखना 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऑन अ सेफर साइड आप लोगों के लिए. मैं देख रहा हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, दिस वन इज नथिंग बट 2 अपॉन 5 प्लस दिस वन इज इनटू 9. ये 1 बाय 16 से कम है, दिस वन इज 45. तो डेफिनेटली आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, बाकी अगर मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ तो हो सकता है गलत हो, वो तो बात की बात है. तो इसको मार्क करते हैं, सेव नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ओके, दिस वन इज व्हाट, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक. ये प्लीज याद रखिएगा, इन्होंने n के बारे में आपसे पूछा है. क्वेश्चन नंबर 2, मैं कलर चेंज करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर मैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 को ऐड करूं तो LCM में डिनोमिनेटर में 1 बाई 8 होगा. यहां पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 2 रेज टू पावर 10. इसका मतलब नॉट द लास्ट टर्म, समेशन 2 रेज टू पावर 10 जो है मेरा लास्ट टर्म होगा. पहले क्या है, पहले क्या है 80, देन क्या है 40, देन क्या है 20, देन क्या है 10, देन क्या है 5 डिवाइड बाई 2, 2 पे पावर देन 5, देन 5 पे पावर 2. तो मेरे पास 2 पे पावर 1 से लेकर 2 पे पावर 10, 10 टर्म्स यहां पे हैं, 1 2 3 4 5. सो वी हैव टोटल 15 टर्म्स. मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका डिक्रीजिंग जीपी होता है एंड समेशन में अगर एंड आपका समेशन दिया हुआ होता है एंड उसमें अगर आपको नंबर्स निकालने होते हैं तो डिनोमिनेटर आपको बहुत कुछ बताता है. लास्ट टर्म में 2 रेज टू पावर 10 होना चाहिए था आपका, यहां पे आपका 2 रेज टू पावर 1 यहां से स्टार्ट होता है. तो मतलब आपके यहां से लेके यहां तक 10 टर्म्स होंगे, 2 1 से 2 टर्म, 11 12 13 14 15 टर्म्स होने चाहिए. मैं सेव नेक्स्ट से आगे बढ़ता हूं. तो मुझको लगता है इसका आंसर 15 होना चाहिए.
ठीक है, तो सेव नेक्स्ट। नाउ दैट इज़ अगेन, आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अगर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, शायद बहुत बार पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी दिखने के लिए, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ। फाइन, तो आई होप अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लॉग बी लॉग ए अगर पॉजिटिव होता है, तो ये अगेन ए एम जी एम का केस है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का केस है जो कि मिनिमम देता है 2 पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें मुझको एक छोटा सा इशू यही होगा कि सेव नेक्स्ट के लिए इधर जाना होगा। कोई बात नहीं, आपको दिखे ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो मैं सेव नेक्स्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, ओके इस सीरीज का समेशन है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ये सेव नेक्स्ट में मेरा थोड़ा सा टाइम किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 315। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार सॉल्व किए हैं और इसे वीडियो अपलोड की है, तो आपको पता होना चाहिए मैं 3 को लिखता हूँ हम लोग 1 × 3। 15 जो होता है वो होता है 3 × 5। अगर आप गौर से देखो, लिखा हुआ है 5 × 7, देन लिखा हुआ है डॉट डॉट, ये मतलब इनफाइनाइट टर्म्स भी हम लोग इसको निकालते हैं। लास्ट लिखा हुआ है 99 प्लस 99 × 99, तो मुझे निकालना है क्या है 99 × 101, सॉरी। तो हम लोग करते क्या है, लास्ट टर्म को एक बढ़ा देते हैं माइनस फर्स्ट टर्म को एक घटा देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 और गैप कितना है 2, तो इसका आंसर यही होगा। अगर मुझको देखना हो न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस 3 होगा, तो इस टोटल का न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस 3 होगा। इधर से 6 मल्टीप्लाई करने के बाद 7 × 2 = 9, 7 × 2 = 42, 6, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6 नहीं आ रहा है। आप समझते हैं मैं बोल कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये टोटल का टोटल जो है आपका कितना है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब डिजिटल सम जो 3 है, मैंने 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, पहला ऑप्शन है 1717 00, 9 खत्म हुआ, 7 × 6 = 42, डिजिटल वैल्यू 6 आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 खत्म हुआ, 6 × 5 = 13 का मतलब 4, 4 × 6 = nothing but 24, सो दिस वन इज नथिंग बट 6, ओके सो ये 6 दे रहा है, ये भी 6 दे रहा था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोगों का टोटल आ रहा है 6 × 10, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 99 0, ये 0 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस वन इज प्लस 3 डिवाइड बाई 6, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझको 6 चाहिए। यहाँ है 6 × 5 = 11, सॉरी दिस वन इज 11 मीन्स 2, 12 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे है 10 5 3, ये देगा नहीं, यहाँ पे है 9 5 9 18, ये 3 देगा नहीं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू देर इज नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन। अगर आप इसको देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब डिजिटल सम होता है, आप लोग बहुत बार डिजिटल सम यूज करते होंगे, तो 4th का आंसर यही है। मुझको नहीं पता टाइम कितना बचा हुआ, नहीं बचा हुआ, बिकॉज मैंने जूम किया है। सेव नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, ओके वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5, 0.00016x²-4x+14=0। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब आपका एक ही टर्म निगेटिव है और इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब माइनस फोर एक्स का वैल्यू इनके बराबर होना चाहिए। ये ऑलवेज याद रखिएगा, माइनस फोर एक्स का वैल्यू इनके बराबर होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ 4x का वैल्यू 14 + 0.00016 के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब ऑप्शन से पुट करके देखते हैं, मैं अगर 3 पुट कर दूं तो 4 × 3 तो नहीं होगा, मतलब ये जो दिख रहा है आपका 14 से ज़्यादा होना, दिस इज मोर देन 14। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो ये 12 हो रहा है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 14 से ज़्यादा होने के लिए इसको 3.5 से ज़्यादा होना होगा, और 3.5 से ज़्यादा एक ही आंसर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। तो प्लीज़, अगर आपका एक ही टर्म, अगर आपका एक ही टर्म निगेटिव है, तो उस निगेटिव को उसके बराबर होना होगा, ओके ये हो गया, मतलब फिर से मैं इसको स्टार्ट करना होगा मुझे शायद, ये नेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। या मुझसे शायद रिफ्रेश बटन दब गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ कि आपको दिखे। फाइन, अब दिख रहा है ये शायद अच्छे से। तो इसमें मुझे देखना है क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। फाइन, वी हैव अ स्क्वायर,
वी हैव पी, ए इज द पॉइंट ऑन से द पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, अच्छी बात. एस इज द पॉइंट ऑन पी एस, एस जो है पॉइंट, ए जो पॉइंट है पी ए इज टू, सो वी हैव ए, टू इज टू वन का रेशियो है, टू इज टू वन का रेशियो है. बी इज द पॉइंट ऑन डायगनल क्यू एस, बी इज द पॉइंट ऑन डायगनल क्यू एस सच दैट बी एस इज टू इज टू, दिस बी एस जो है ज़्यादा है, तो बी को यहाँ पे रखते हैं, बी एस ज़्यादा है, ये टू इज टू वन का रेशियो है. देन मुझे निकालना है एंगल दिस, देखने से तो ये लग रहा है 60 से ज़्यादा, 90 का होगा, बट देखते हैं कि है क्या. जब भी अगर आपके पास एंगल का क्वेश्चन होता है आप डू, मैं मुझे अगर करना होता तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेता, रेशियो 1:2 है तो मैं इसको ले लेंगा 3:0, साइड्स को मैं 3:3 मानता हूँ, ये मेरा 0:3 होगा, 1:2 के रेशियो से ये 2:0 होगा. अगर मैं सेक्शन फार्मूला इसमें यूज कर दूँ 0:3:3:0, वी हैव 2:6:3, तो ये 2 होगा, दिस वन इज 2:1 का रेशियो, 3/3 2:1 होगा. अगर किसी भी दो लाइन में अगर आपको एंगल निकालना है तो पहले मैं ए बी का स्लोप निकालता हूँ. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1-0 एंड 2-2, इज इट सो? ये इनफाइनाइट क्यों दिख रहा है? नहीं, कहीं मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया. यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6/3 इज द 2, फाइन, ठीक है, इस पैरेलल लाइन दिख रहा है. So we have BS, QB, QB is 1, 2, 1, यहाँ का ठीक है. We have nothing but AB, 0 हो गया. और उसके बाद क्या जा रहा है? Then B, अगर हम लोग BR का स्लोप निकालें, BR स्लोप इज व्हाट, 3-1/3-2 इज 1/2. तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 1/2 हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का हो रहा है नथिंग बट 1/0. अगर मैं इसको डालूं 90 डिग्री, यहाँ ये बना रहा है 90 डिग्री, 1/2 tan में कुछ देता नहीं है. तो मैंने क्वेश्चन सही लिखा, मुझको देखना है BS जो है 2 ऑफ QB है. सेक्शन फार्मूला मैंने डाला, यहाँ 6 होगा, यहाँ 0 होगा, तो दिस वन इज नथिंग बट, ठीक है, मैंने सब कुछ सही किया है अभी तक. स्लोप फॉर्मूला से इस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो वी हैव 1/2-1/0/1-1, यहाँ प्लस होगा तो 1/0, 1/2, कैन नॉट बी. कहीं ना कहीं मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है इसमें, ठीक है. तो अब देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है. वी हैव 1-2/0, यहाँ 0 है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत ले लिया है, दिस वन इज नथिंग बट 0:2. अगर ये 0:2 होता तो ये 1-2 होता, और यहाँ पे 2-0 होता, तो दिस वन इज 1-2, तो ये 1-2 आया है, यहाँ 1/2 आया है. मैं अभी भी सही, 1-2 पक्का, दैट इज 3-1 एंड 3-2, मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, दैट इज 2:1, बहुत सही होता है मेरा कैलकुलेशन गलत, इसमें क्रॉस चेक कर रहा था और 0 आया तो उसमें नहीं दिखा मुझको, ये अच्छी बात है कि मुझको नहीं दिखा. तो ये -1/2 है, ये 2:1 है, तो मुझे ये पता होता है m1 × m2 का वैल्यू -1 हो या रिवर्स हो तो ये 90 डिग्री देता है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 90 डिग्री. और मैंने टाइम इसलिए बर्बाद हो रहा है मेरा कि बिकॉज कैलकुलेशन मेरा मानसा वाला बहुत अच्छा है, मतलब कहना ही नहीं है कितना अच्छा है. 7th, देयर द क्यूबिकल रिजर्वायर जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 77 मीटर इंटू 48 मीटर, ठीक है. पंप एक करते हैं, डैट इज द वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा, ऑफ डायमीटर यूजिंग अ पाइप ऑफ डायमीटर 56 मीटर, तो अच्छा डैट इज पाई आर स्क्वायर 56 सेंटीमीटर है, मिली सेंटी डेसी मीटर इंटू 100 रेज टू का होल स्क्वायर, ये हुआ वॉल्यूम. एरिया कितनी है आपकी, 27 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5/18 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे बट इसको करते हैं. एंड रिजर्वायर 3 मीटर के लिए जाता है, बहुत अच्छी बात है, रिजर्वायर 3 मीटर के लिए जाता है, तो टी का वैल्यू क्या है इन मिनट, टी का वैल्यू क्या है इन मिनट, मिनट को 60 से कन्वर्ट करो, तो ये कैंसिल आउट होगा, मुझको ये पता है यहाँ, ठीक है.
तो मुझको इसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझको चाहिए कैलकुलेटर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 77 × 48 × 3 / 22 × 7 × 56 × 56 × 2 × 100 का होल स्क्वायर अपॉन 27 × 1000 × 60। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया है ये। एनीवे अब कुछ काट छाट हो रहा है तो काट छाट किया जाएगा, नहीं तो देखते हैं। 77 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 7 7 8 जा 7 8 जा 27 यहाँ हो जाएगा 48, 3 9 जा 9 3 से जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 2, अच्छी बात है, यहाँ बचेगा 4 4 से यहाँ बचेगा 5, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 10,000 में जी बचेगा 0, कैंसिल आउट। आई थिंक इसका आंसर अभी जो कैलकुलेट करके आ रहा है 100। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी 100। सो टाइप करते हैं इसका आंसर, इतना बड़ा दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है मुझको थोड़ा सा टाइप करने में। कहाँ चला गया, 100, सेव नेक्स्ट। ओके क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब, नहीं दोनों प्लस माइनस हो सकता है, x5 पॉजिटिव है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें वाई तो दिया ही नहीं, वाई नहीं दिया तो मैं आंसर नहीं बता सकता हूँ। मैंने फिर से बोला एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब अगर आप बोलते हो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपका एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब है तो एक्स का वैल्यू वाई हो सकता है, एक्स का वैल्यू माइनस वाई हो सकता है, मुझे एक्स वाई दोनों चाहिए। एक्स तो पॉजिटिव है मुझको ये पता है, वाई पॉजिटिव है निगेटिव है मुझको नहीं पता, तो आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैन बी, बॉस कहाँ गड़बड़ हो गया, कैन नॉट ऑप्शन ही नहीं है क्या, अरे तीन ही ऑप्शन दिखा रहा है। इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर, ओके क्वेश्चन आंसर नहीं किया सकता है, दैट इज सेव नेक्स्ट, इतना रखते हैं। द फाइव डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का एलसीएम बोला है इन्होंने निकालने को, और इस चार का है तो 4186 को फैक्टराइज करते हैं। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, द इट इज़ 4186, 4186 में मुझको 2 दिख रहा है, वी हैव 4 5, ठीक है 2 तो मुझको दिख गया बहुत आराम से। अब उसके बाद और क्या है, 2 से अगर मैं कट करूँ तो यहाँ दिखेगा 096। अभी एक और किससे कटेगा, प्राइम नंबर है तो ये कट रहा है 3 to 5 9 से तो नहीं कट रहा है, और किससे, प्राइम नंबर 7 से, 7 से देखते हैं, 7 2 24 2094, देखते हैं ना क्या है, 4186 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है 7 भी है, बचा क्या 598, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 299 का मतलब आई थिंक ये जो दिखता है 299 कुछ नंबर देखा हुआ है, 13 से डिवाइड कर होता है क्या, 299 13 से डिवाइड होता है, तो दिस इज 2 × 13 × 23 ये है। और दूसरा जो हम लोगों का है डैट इज़ 9338 में मुझको 2 दिख रहा है, मैं 9338 में देखना चाहता हूँ कि है क्या, 9338 में 7 है क्या, 9338 में 7 भी है, 2 को बाहर निकालो, डिवाइड बाई 2, 667 में 13 है या 23 है, 13 तो नहीं दिख रहा है, 13 के पहाड़े में ही नहीं आता है, तो हम डिवाइड करते हैं 23 से, ज़्यादा 13 से डिवाइड करना होगा, ओके 23 है। अभी मैंने क्या कर दिया, 23 को क्या था मेरे पास, और कौन सा है, तो मेरे पास बचा क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, फिर से मेहनत करना होगा मुझे, 9338 को डिवाइड करना है 2 से, मैंने किया, मुझको डिवाइड करना है 7 से, मैंने किया, मुझको डिवाइड करना, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत था, 23 से मैंने किया, 29 बचा, कैलकुलेशन गलत हुआ। मुझको निकालना क्या है, इसमें 29 यहाँ क्या मिसिंग है, 13,
सो वी हैव 29, दोनों का मुझको P5 निकालना है. 29 और 13 का डिफरेंस इज 16, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16. सेव नेक्स्ट. व्हाट इज द स्क्वायर, ये तो मुझको विद द एरिया 100 इंस्क्राइब सब्सक्राइब आंसर. ये क्वेश्चन ही देख के मुझको समझ में आ गया था कि क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है और उसके एक बाहर सर्कल है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आई थिंक सर्कल्स. मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ बिकॉज ये सब क्वेश्चन मुझको लगता है कि यही होगा. ये ओनली मैंने क्वेश्चन जितने बनाए या प्रैक्टिस किए तो मुझको पता होता है कि शायद क्वेश्चन वो यही दे रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. ओके, क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द दिस द एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है. तो इसका आंसर डायरेक्ट मुझको पता है, ये होता है पाई. इसका जो वैल्यू पता आपको होना चाहिए, पाई एक्स स्क्वायर, डैट इज द मतलब एरिया स्क्वायर अपॉन 4. ये यही होता है जहाँ एक्स साइड होता है. दिस वन इज 100 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एरिया का वैल्यू है 400 बाई पाई. अगर आप इसको याद रखना चाहिए तो कीजिए. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 400 बाई पाई. ये मुझको पता है. अगर एरिया आपका निकालना हो इस सेडेड रीजन का और लेंथ दिया हुआ है एक्स, तो ये डायरेक्ट आंसर होता है 400 बाई पाई. मतलब आंसर होता है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4. अच्छा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन दिख रहा है कि मुझको इसका इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैं सबसे पहले एक्स का वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो ये टर्म्स तो जीरो होगा पहला टर्म्स. दूसरा टर्म देगा 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे प्लस है, और यहाँ देगा 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1. तो मतलब ये जो मिलेगा मिलेगा 1 बाई 3. 1 पुट करने पे 1 बाई 3 ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इसी दोनों में से होगा. अब मैं x के बदले क्या पुट कर दूँ, x के बदले मैं पुट करता हूँ 4. तो पहला टर्म होगा 2 माइनस 1 अपॉन 4 पुट किया है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2. यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन दिस वन इज 2 इंटू 16 प्लस 4 प्लस 1. ऐसे ये दिख रहा है मुझको कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स कैंसिल होगा, आंसर यही होगा. बट मैं इसको निकालता हूँ, दिस वन इज 1 अपॉन 8 10 14 प्लस दिस वन इज 5 3 अपॉन 20 21 2 इंटू 21 का मतलब यहाँ हो जाएगा 7. तो 2 बाई 14 जाना चाहिए साथ, अगर कैलकुलेशन मेरा सही है तो 1 बाई 14 प्लस 1 बाई 14 का मतलब 1 बाई 7. 1 बाई 7 ये जा रहा है 437, तो आंसर है. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर दो लाइन के बीच में आपको निकालनी हो तो सबसे पहले दोनों लाइन होना चाहिए पैरेलल. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दोनों लाइन होनी चाहिए पैरेलल. यहाँ पे क्या है 31. बस देखिए एक छोटा सा उन्होंने सबसे अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए क्या किया है, कोफिशियंट भी हम लोग का सेम होना चाहिए. कोफिशियंट सेम करने के लिए पहले इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं 10x प्लस 24y प्लस 34 इक्वल टू जीरो. दिस वन इज 10x प्लस 20. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए. तो दिस वन इज 34 प्लस 31 अपॉन 10 और 24 इज द 512 का मतलब हो जाएगा 26. बिकॉज ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये आपका हो जाएगा 5. दिस वन इज 65 अपॉन 26. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या, 512 को डबल किए हैं तो 13 ही होगा, 13 टू या 26 होगा. जनरली आंसर फ्रैक्शन में दिखना नहीं चाहिए ये सब का, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन्होंने पूछा है. कैलकुलेशन मैंने पक्का गलत किया होगा, मुझको पता है. 65 अपॉन 26 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फ्रैक्शन में डालूं क्या, तो कुछ तो लिखते तो उन्होंने, कुछ तो लिखना चाहिए था. मैंने कहाँ गलत किया है, मेरे साथ कैलकुलेशन का ही बड़ा पंगा होता है. तो 13 अच्छा ठीक तो किया है, 15 बाई 2 का मतलब 2.5 पूरा कट रहा है. मुझको लगा था पॉइंट में कट नहीं रहा होगा बिकॉज नीचे दिख रहा था अजीब सा. सेव नेक्स्ट. अ ड्रम कंटेन सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल. वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. एथेनॉल और मेथेनॉल का रेशियो है 5:2 एंड 57 लीटर्स एथेनॉल मैंने ऐड किया है, देन द रेशियो ऑफ मेथेनॉल टू एथेनॉल उल्टा कर दिया है, मेथेनॉल टू एथेनॉल 6:7 हो गया है. व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कैलकुलेटर, इनिशियल वॉल्यूम जो ड्राई फ्रूट्स है, x इंटू मेथेनॉल एथेनॉल ऐड किया, डैट वन 7 बाई 12.
इज इक्वल टू एक्स प्लस 57 इंटू, हमने ऐड किया 76 बाई 13, यही है। अब ये तो कैलकुलेशन है बॉस, दिस वन इज नथिंग बट 713 91x इज इक्वल टू 1272x प्लस 12 इंटू 57 इंटू 6, 91 से 72 जाएगा तो ये बच जाएगा 19x इज इक्वल टू 12 इंटू 57 इंटू 6, 19 3 57 तो हो जाएगा 36 इंटू 6 216 साल। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक करना चाहूँगा बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन वाइज कुछ गलती हो। दिस वन इज ड्राई फ्रूट कॉन्सेप्ट, तो दिस वन इज सब सही है। तो आंसर ऑफ दिस वन इज 216। अभी आधा घंटे बचे हैं और मेरे पास 13 ही क्वेश्चन हुआ है। एक्स कर्ली ब्रैकेट लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन, इट इज़ अ इंटीजर, इंटीजर है और डोमेन, मैंने एक मॉक को इस तरह से गलत किया था, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, इंटीजर माइनस इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, ये दिख रहा है पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं है, मुझे यहाँ दिख गया था कि इंटीजर नहीं है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटीजर नहीं हो सकता बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि नीचे जीरो नहीं हो सकता, तो अगर ये इंटीग्रल फैक्टर्स है तो किसी भी कीमत में इंटीगर नहीं होगा बिकॉज इंटीजर माइनस इंटीजर जीरो दे देगा, और कुछ भी दे दो इंटीजर तो नहीं देने वाले हो तुम, तो 14 यही होगा। द कॉस्ट ऑफ द इरेजर शार्पनर, दिस ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, मोहन बाउट इरेजर पेंसिल टोटल इज 72 24 आइटम्स, ही बाउट्स मोर और लेस, मोर और लेस का मतलब मुझको इसमें केसेज में काम करने होंगे, तो 15th क्वेश्चन को अभी ट्राई करें या बाद में, तो कर ही लेते हैं ना। वी हैव 15 क्वेश्चन, वी हैव इरेजर, वी हैव पेंसिल, वी हैव शार्पनर, टोटल हमने कितना खरीदा है 24 आइटम्स खरीदा है, अच्छी बात है, एंड पैसा कितना लगा दिया है, 2 ऑफ द इरेजर प्लस 3 ऑफ दिस पेंसिल प्लस 6 ऑफ दिस शार्पनर, 72 रुपीज है, तो ऐसे मुझको निकालना क्या है, मोर शार्पनर देन पेंसिल, मोर शार्पनर देन पेंसिल इसमें काम करना है, तो इरेजर को हटाते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो 3, दिस वन इज पेंसिल प्लस 4, अरे शार्पनर, यहाँ शार्पनर होगा, प्लस 4 शार्पनर इज इक्वल टू 72 माइनस 14 8 का 24, यही है इरेजर ज़्यादा, और हम लोग निकालना हाउ मेनी इरेजर्स हमने कितना खरीदा है। ओके, हमने इरेजर्स कितना खरीदा है, फाइन, तो अगर ये खरीदा तो है तो इसको जीरो अगर मैं ले लूँ तो ये 24 होगा, सबका सब यही खरीदा है ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं इसको वन लूँ 4 तो ये 20 होगा, इरेजर्स कितना होगा 4 जो कि नहीं है, यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ 8 तो ये 16 होगा, टोटल में इसको 28 बनाना है तो यहाँ 18 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 18 6, पक्का 18 6 24, यहाँ पे ये 3 होगा 24 बिकॉज समीशन में इसको 24 चाहिए, अगर ये 3 है 12 है तो ये 12 15 15 का मतलब ये जो आंसर होगा ये आंसर होना चाहिए 9, ये भी नहीं दे रहा है तो अगला ये 12 देना चाहिए, अगर यहाँ 4 डाल दूँ 16 16 का मतलब ये 8 हो जाएगा 8, ओके 16 और ये 8 तो यहाँ हो गया 12 12 का मतलब ये 12 होना चाहिए, हमने देखा क्या है, ही अबाउट मोर शार्पनर, शार्पनर इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं अभी भी गड़बड़ है, 5 इसको मैं इंक्रीज करता हूँ 5 तो ये इंक्रीज होगा 4 9 9 अगर यहाँ पे तो ये 15, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15, यहाँ तक ये मुश्किल लगता है, मतलब ये मैंने बेसिक किया है, अदरवाइज हम इसको फास्ट भी किया जा सकता था, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15, ठीक है। 1 बाई 1, अजय असेंट एस्केलेटर 48 सेकेंड्स, ही स्केलेट बिन स्टेशनरी, अगर वो नहीं चलता तो 45 सेकेंड, 48 सेकेंड में ऊपर जाता है, नहीं जाता है तो 45 सेकेंड में, असेंट एन एस्केलेटर चलता है, एस्केलेटर बिन स्टेशनरी तो 25, स्पीड ऑफ द एसी एस्केलेटर अजय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये ऊपर जाते समय टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब एस्केलेटर उल्टा चल रहा है, एस्केलेटर उल्टा चल रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है, मतलब स्पीड ऑफ अजय ज़्यादा होगा पक्का, क्यों, क्योंकि अगर आप भी नहीं जाते हो तो 25 सेकंड लेते हो, स्केटर में चलते हो तो 48 सेकंड लेते हो, मतलब आप स्केटर के अपोजिट जा रहे हो, एंड स्केटर के अपोजिट आप जा रहे हो, किसी चीज़ के अपोजिट आप जा रहे हो,
तो इसका मतलब आपका फोर्स ज़्यादा होगा अपोजिट जाने वाले से, तो ये ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कॉर्न डायगनल दिस 65, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब आपको चार पॉइंट चाहिए अंदर इंटरसेक्ट करने के लिए। तो डायगनल इंटरसेक्ट तभी करते हैं जब आपके पास चार पॉइंट आपको मिल जाए। अगर आपका एन वर्टेक्स है तो एन सी फोर आपको पॉइंट्स चाहिए, इसको याद रखिएगा। अब हमारे पास कितने हैं, डायगनल 65 है। डायगनल का होता है क्या, एन सी टू माइनस एन इज इक्वल टू 65, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एन इज 65। मैं वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1045, 10 तो नहीं है, 11, 10, 45 माइनस 11, 11 भी नहीं है, 12 माइनस 11, 666 माइनस 11 भी नहीं है, 13 इंटू 12, 56। ओके, एन का वैल्यू 13 है। इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा मैं वैल्यूज प्लॉट करना चाहता हूँ। मैंने 1 बाई 2 बाई 3 करके पुट किया और मुझको चाहिए 13C4 का आंसर। आप समझ लो 13C4C क्यों होता है। अगर अंदर कट करना चाहते हो तो आपके पास चार वर्टेक्स होगा तभी आपको डायगनल मिलेगा और अंदर कट होगा। तो मेरे को मिल गया ये 13। अब मुझको निकालना है 13C4 का वैल्यू। तो दिस मीन्स 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से ये जाएगा 2, यहाँ से 2, यहाँ से 5, तो वी हैव 65, 65 इंटू 11, तो मैं आराम से 715 कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ये तो मुझको पता है। तो 17 क्वेश्चन हो गया। 18, फॉलोइंग विच वन इज ग्रेटेस्ट, ये मैंने दो तीन दिन पहले ही क्लास में बताया है। क्वेश्चन नंबर 18, मेरा नंबर क्या है, 105 रेज टू पावर 5 माइनस 106 रेज टू पावर 6। दूसरा नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में है, मुझे खोजना क्या है, ग्रेटेस्ट। मैं ऊपर निकाल के मैं खोज दूंगा क्या, लिस्ट। डिनोमिनेटर में होगा ग्रेटेस्ट, 104 रेज टू पावर 5 माइनस 105 पे पावर 5, 103 रेज टू पावर 5 माइनस 104 रेज टू पावर 5, मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट, 102 रेज टू पावर 5 माइनस 103 रेज टू पावर 5। इस टाइप में अगर आपके पास सबका क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1, सबका डिफरेंस आपका कांस्टेंट है और क्वेश्चन भी डिफरेंस में है, जिनली यही मेरे वर्ड होते हैं मैं जब क्लास में बोलता हूँ। तो अगर आपका डिफरेंस कांस्टेंट है एंड क्वेश्चन भी डिफरेंस में है तो आपको करना क्या है, जो छोटा नंबर लिखा उसको हटा दो, सारे में से छोटे नंबर हटा दो। आप बोलेंगे 106 हटा दिए, नहीं ये 106 नहीं है, ये माइनस 106 है, ये माइनस 105 है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर बचता है वही ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, देन ये बड़ा होगा, और अगर ये स्मॉलेस्ट है तो यही लीस्ट होगा। मुझको नहीं पता आपको कितना समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिएगा मेरे से। स्मॉलेस्ट इज द लिस्ट आफ्टर रिमूविंग द लिस्ट, अगर आप सब कुछ हटाते हो तो मैं इसे मतलब सेशन के बाद पूछ लेना कि हो क्या रहा है, बिकॉज 20 मिनट्स बचा तो मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मेरे पास एक 5, 6, 7 का बॉक्स है, एंड प्रॉब्लम, फ्रंट फेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बैक फेस, एंड जब भी जाती है आपके एक बॉक्स में तो आप बॉडी डायगनल पे जाते हो, और अगर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आप ट्रेवल करते हो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आप इसमें ट्रेवल करते हो, मतलब आप यहाँ से यहाँ आप इधर ट्रेवल करते हो और ऊपर जाते हो। तो आपको करना यही है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर पे आप ट्रेवल करोगे, मतलब आप जब ओपन करोगे इसको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब ओपन करोगे तो आप ओपन करते हो 5, 6, 7 पे। नाउ मैं 5, 6, 7 क्या बोल रहा हूँ मैं को फिर से बताता हूँ। तीन वेज से, देर आर 3 वेज इन विच यू कैन ओपन द बॉक्स, देर आर नथिंग बट 3 वेज इन विच यू कैन ओपन द बॉक्स। तो आपको जो बॉक्स ओपन करना है वो ओपन करना है 5, 3, 6 पे, मतलब आपको करना क्या है, बेस ओपन होगा 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर पे, मतलब आपका जो बेस ओपन होगा ये 5, 6 पे ओपन होगा और 7 आप ऊपर जाओगे। 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 121 प्लस 49 इज नथिंग बट 170, तो अंडर रूट 170 इज द आंसर। ये हमेशा याद रखिएगा, ओपन होता है स्मॉल पे। तो यू हैव स्मॉल 1 प्लस स्मॉल 2 का होल स्क्वायर प्लस लार्ज 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज द स्मॉलेस्ट पाथ, ये होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, पहला क्वेश्चन मैंने शायद छोड़ा है। अरे 20 में क्या हो गया था, 20 में बना नहीं, 20 मैंने छोड़ा, ओके 21। थीटा इज एक्यूट एंगल साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
मतलब मुझको दिख गया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, बिकॉज आपको दिख रहा है टैन को आप लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, सेक का वैल्यू होता है 2, तो ये लिखा हुआ है 4p प्लस कॉसेक का वैल्यू होता है 4 इज इक्वल टू 9 1 बाई रूट 2, सो दिस वन इज 2p प्लस 2, 4 कहाँ, दैट इज 7/2, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7/2। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगा देख के। 3% PQR ग्रुप राउंड्स ऑफ गेम द लूजर एफ नी राउंड डबल द अमाउंट ऑफ, अरे ये तो पुराना क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द 3 राउंड्स ईच 3% हैज द 720 आफ्टर द लूजर डबल द अमाउंट ऑफ द अदर 2। PQR द रिस्पेक्टिव लूजर ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड द फाइंड द टोटल इनिशियल अमाउंट विद द पी, ये तो रिवर्स क्वेश्चन है। वी हैव PQR 22, पहले कौन हारा, पहले पी हारा, फिर क्यू हारा, फिर आर हारा, डैट इज 720। ऐसे में इसको आंसर इसका पता है बिकॉज ये पूरा का पूरा वैल्यूज मुझको रटा हुआ है, बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस वन इज नथिंग बट 360, सॉरी हारा कौन आर, तो दिस वन इज नथिंग बट 360, इसका अमाउंट डबल हुआ होगा, दिस वन इज 360, आपने 720 विड्रॉ किया है तो ये 1420 होगा। अब ये हारा है तो ये 720 पे गया होगा, ये 180 पे गया होगा, 900 गया होगा, ये 1260 गया होगा। ये अगर हारा है तो ये गया है 360, मुझको 180 में 360 ऐड करना है, ये हारा है तो ये गया है 630 और मुझको 630 ऐड करना है। मुझको इसका आंसर पहले से पता है, मैं बस आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि जब भी स्टेप से हो तो आप रिवर्स दो। रिवर्स करने का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट पे ये हारा है तो इसने इसको 360 अमाउंट दिया होगा, इसने इसको 360 अमाउंट दिया होगा और मैंने उसी अमाउंट को वापस मांग लिया। अगर आप उस अमाउंट को वापस मांग लेते हो तो आपके पास बचता है क्या, दिस वन इज नथिंग बट 630 प्लस 330 प्लस 180, दिस वन इज 0, दिस वन 1170, तो इसका आंसर होना चाहिए 1170। रिवर्स कैलकुलेशन, ठीक है। अब अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 9 सेंटीमीटर ईच, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड एंड द 3 डिक्रीज हुआ है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अनचेंज हुआ है। ओके, सो वी हैव एक्स प्लस 9 एंड एक्स सॉरी वाई माइनस 3, बिकॉज एक्स तो मानेंगे नहीं, एरिया अनचेंज होके एक्स वाई हो गया है। व्हाट इज द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ में मिनिमम डिफरेंस क्या है, तो वी हैव नथिंग बट एक्स वाई इज इक्वल टू 9y माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां से हटाते हैं, मिनिमम डिफरेंस पूछा है तो ये क्या है 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 27, मिनिमम डिफरेंस जीरो होगा अगर इक्वल होंगे तो, बट रेक्टेंगल है तो इक्वल नहीं है, इंटीजर बोला है वैल्यू है, तो मैं अगर इसको जीरो कर दूं तो ये हो जाएगा कितना 3, अब ये क्या होगा 6 नहीं 3, कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या, तो ऐसा करते हैं पहले 3 कॉमन लेते हैं, दिस वन इज 3y माइनस एक्स इक्वल टू 9, ये 0 होगा तो ये हो जाएगा 9, ये 3 होगा तो वो 12 जाके बनेगा 4, एक डिफरेंस है मिनिमम, 0 नहीं हो सकता है, एक डिफरेंस होगा मिनिमम, एक वैल्यू 4 और 3 दिख रहा है मुझको। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4 6, नॉट ज़्यादा नहीं है, 4 28 को बट इंक्लूड कर रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 1 आपको पता होना चाहिए, दिस इज द PNC का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एटलीस्ट 1 इज द टोटल माइनस नन, सो दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ यूलर, तो 257 दैट वन इज नथिंग बट 70 का कौन सा मल्टीपल इसके पास पहुंच रहा है ये देखना होगा, सो वी हैव 4628 डिवाइड बाई 70, बिकॉज एटलीस्ट वन का होता होता नन 66, 70 को मैं अगर 66 से मल्टीप्लाई करूँ तो वी आर 4620 तक हम जा रहे हैं, तो अप टू 4620 इंटू 1/2 इंटू 4/5 इंटू 6/7 ये जाएगा इसको काटेगा तो 66 होगा, 66 इंटू 24 मुझको कैलकुलेट करना है, 66 इंटू 24 इज इक्वल टू, ओए ये मैंने क्या कर दिया,
we have to calculate 66 into 24. 1584 is up to 4210. अब इसके बाद मुझको देखना क्या है, 4621 एक नंबर, 4622 नहीं चाहिए, 4623, 4624 नहीं चाहिए, 4625 नहीं चाहिए, 5 से डिवाइड हो रहा है, 4627 नहीं, 26 नहीं चाहिए, 46 तो मुझको चाहिए, 28 भी नहीं चाहिए, मुझको ये भी नहीं चाहिए, मुझको चाहिए कितने नंबर, आई थिंक दो नंबर, कैलकुलेशन गलत नहीं है ना, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो मुझे दो नंबर चाहिए, तो वी हैव 1586 और 4628 माइनस 1526, कैलकुलेशन गलत नहीं मत होना, तो वी हैव 4628 माइनस 1586 3042, ओके वी हैव 3042, बस भगवान की दया से ये गलत आंसर मेरा नहीं हो जाए, बिकॉज ऑप्शन में मुझको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो वो लगता है मेरा गलत आंसर ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। एक्स इज अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग, ओके तो अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स, अगर दो डिफरेंट इक्वेशन दिए हैं तो हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं, मुझको ये पता है अपवर्ड ग्राफ है, मुझको ये पता है अपवर्ड ग्राफ है, ई रेज टू पावर मॉड एक्स, मुझको ये पता है कि ई रेज टू पावर मॉड एक्स का ग्राफ चलता है इधर, ये 100% मुझको पता है, बट ये इन्होंने माइनस साइन लगा दिया, तो ये जो ग्राफ है मेरा ये ग्राफ है ई रेज टू पावर मॉड एक्स का। अब देखते हैं ये 4 पे मिनिमा देगा, 4 पे कट करेगा, एंड और क्या जाएगा 5x स्क्वायर, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, दैट इज द 100 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू दिस 16 80, डिस्क्रिमिनेंट है 0 और माइनस बी बाई 2a कितना है, माइनस बी बाई 2a इज द 1, ये 1 पे मिनिमा देगा माइनस माइनस 1, इसका ग्राफ इधर बन रहा है, तो दोनों ग्राफ एक बार भी नहीं कट कर रहे हैं तो इसका आंसर होना चाहिए 0। फाइन, दिस वाज अ ग्राफ क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या बोला है, कोडिंग डिकोडिंग 19 मिनट बचा हुआ है मेरे पास, n1 एंड n2 आर द पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100, 100 से ज़्यादा नहीं है मतलब अप टू 100 है, दिस वन इज द p डिवाइडेड बाय q रिमाइंडर है एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट, एंड मुझे चाहिए क्या किसी एक नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ और दूसरे नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो ये 21 आना चाहिए, तो ये 3 इंटू 7 होगा, 5 से डिवाइड करके 3 अप टू 100 95, तो ये 20 नंबर्स होंगे, 20 नंबर्स होंगे, 20 टाइम्स तक डिवाइड हो रहा है, और 8 से डिवाइड करके 7 आना चाहिए, 12 बटे 76 12 96, तो यहाँ पे 12 नंबर होंगे, 12 8 जा 96, तो 12 20 हमें जो सेट बनाइए तो 240 का सेट चाहिए मुझको, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 240, तो हम लोग जाते हैं सेव नेक्स्ट करते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 26 पे अभी हम लोग खड़े हैं एंड 18 मिनट और बचा हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने अभी एक 1905 एम कैट दिया था, उसमें भी दिखा था कि कौन सा सेटिस्फाई करता है, इसको बाद में बनाएंगे। यूजिंग दिस हाउ मेनी नंबर्स इज ग्रेटर दैन दिस, फाइन तो ये क्या लिखा हुआ है, 3, सबसे पहले काउंट करना है, 10 यहाँ पे है, 3 प्लेस यहाँ पे है, 3 प्लेस यहाँ पे है, एंड मेरे पास है क्या, मेरे पास है 3, मेरे पास बाकी यहाँ पे मैं 3 तो डाल ही सकता हूँ, बाकी कितने हैं, वी हैव नथिंग बट 3 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है, 3 के अलावा मेरे पास क्या है, 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4 भी कितना है, 4 के अलावा मेरे पास क्या है, 0, 2, 2, 3, 3, 5, 5 के अलावा क्या है, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4, अब तो भैया ये कैलकुलेशन है, अच्छी बात है ऑप्शन है, ऑप्शन अगर नहीं रहता तो गड़बड़ होता, वी हैव 3, 3, 6 और 7, तो दिस वन इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
ये भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल देगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वन इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है कितना होता है, 6 फैक्टोरियल का होता है 720, 7 फैक्टोरियल का ओके 720 इंटू 7 डिवाइड बाई ये कैंसिल होगा 2, दिस वन इज 360 इंटू 7, यहाँ 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाई 8 मतलब होता है 90, तो ये हो जाएगा 630 और ये हो जाएगा 0, 46, 21, 25, 25। तो वी हैव नथिंग बट लास्ट में 7 होना चाहिए जो कि है नहीं, कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन फॉर्म, इससे ज़्यादा होने चाहिए, स्टार्टिंग में तो 3 होना चाहिए, मुझको ये पता है स्टार्टिंग में 3 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7 भी है ठीक है, इंटू 2 यही दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कहीं कुछ कैलकुलेशन कर दिया क्या, 125 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, वी हैव नथिंग बट 3, 367, 42, 42 का 2, सॉरी यहाँ 42 का 2 होगा, लास्ट में 50 आएगा, सब जगह 50 दे रहा है, 3150 समथिंग इज लाइक 3150, हाँ ठीक है, अब कैलकुलेशन ही तो मेरा गलत हो जाता है, 15 बचा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स दिया नहीं हुआ है, अच्छा इसमें हम लोग इक्वेशन बाद में सॉल्व करते हैं। हाँ ये फंक्शन मुझको पता है, जिसको मुझको डिस्कस भी करना था कमिंग क्लास में, मैं आपको इस फंक्शन का सबसे अच्छा चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास एफएक्स में यहाँ पे एक स्क्वायर फंक्शन लिखा हुआ हो और नीचे वही नंबर और उसका भी एक स्क्वायर फंक्शन लिखा हुआ हो, तो आपका इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, तो डैट इज़ 1 + x, x और 1 - x, अगर आप जो भी पुट करना चाहो, इफ़ यू वॉन्ट टू पुट x और यू वॉन्ट टू x + 1, ये मुझको फंक्शन पता है, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज अगर a^2x और यहाँ पे क्या है a + a^2x, अगर फंक्शन इस टाइप से दिखता है तो फंक्शन आपसे चीख चीख के कुछ और भी बातें बोलता है, तो यहाँ पे अगर 1 - x अगर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 1 - x और 12 × 1 - x, इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों को ऐड करो तो ये वैल्यू 1 होता है, मतलब पेयरिंग ऑफ 2 हमेशा 1 देगा, पेयरिंग ऑफ 2 हमेशा 1 देगा, तो हमें जाना कहाँ से है, 1, 2, 3, 79 जाना है, टिल 76 18 होगा और बाकी जो होगा ये हाफ होने चाहिए, 38 39 हाफ होने चाहिए, 39 हाफ, तो ये 39 1/2 है, हाफ क्यों, अगर आप इसको हटा दो आप इधर से सॉल्व कर दो तो भी चलेगा, ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन, ये फंक्शंस मैं पढ़ाने वाला था, ये अच्छी बात है कि अभी दिख गया। नाउ देयर आर टू बार्स पी क्यू मेड फ्रॉम अ डिफरेंट एलॉय कॉपर रिस्पेक्टिवली, x% कॉपर y% कॉपर है, फाइन म्यूचुअल रिलेशन, वी हैव पी एंड क्यू आर द टू बार्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर, कॉपर एम एन देर आर टू बार्स पी एंड क्यू मेड ऑफ द टू डिफरेंट अलॉयज ऑफ कॉपर, एम एन एम हैज द x% कॉपर, एम में x% कॉपर है, एन हैज 2x% कॉपर, इफ़ पी एंड क्यू कंप्लीटेड मिक्स द रिजल्टिंग अलॉय हैव द 60% कॉपर, अगर हम लोग इसको मिक्स कर दें तो ये 60% कॉपर है, तो पी का एक्स प्लस क्यू का 2x अगर हमने मिक्स किया, P प्लस क्यू निकाला, तो ये 60% कॉपर है। इक्वल वेट, इक्वल वेट करने का मतलब होता है दोनों को ऐड करके, मतलब दोनों का एवरेज, इक्वल वेट का मतलब होता है बाई वेट का मतलब होता है एवरेज, इज इक्वल टू 63, तो x हो जाएगा 3x बाई 2, 3 कटेगा यहाँ 21, x का वैल्यू हो जाएगा 42, मुझको चाहिए क्या, फाइंड द रेशियो, मैं 42 को यहाँ डालता हूँ, इसको याद रखिए बाई वेट का मतलब होता है एवरेज, अगर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है बाई वॉल्यूम बाई वेट अगर हम लोग मिक्स करें तो मैं यहाँ 42 यहाँ डालना चाहूँगा, आप जैसे ही 42 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 42p + 84q = 60p, p
प्लस या उतना करते क्या 42 और 84 और यहाँ 60 डालते हैं, दिस वन इज पी और क्यू, तो ये दिखेगा मेरा 18, ये दिखेगा 24, 18 और 24 का मतलब 4:3 का रेशियो होगा, मिक्सचर एलिगेशन स्टार मेथड, ठीक है। तो ये हो गया एक्स आई इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगेन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन जी आई एफ, तो 1 से लेके 189, 1 टू लेके मुझको जाना क्या है रूट वन, सॉरी हिल क्यों रहे हो, वी हैव रूट वन प्लस रूट टू अप टू रूट 899 तक जाना है, मतलब रूट 900 का मतलब 30 होता है, इसका मतलब मुझको जाना है 1 एक बार दिखेगा, रूट टू में भी 1 एक बार दिखेगा, रूट थ्री में भी 1 एक बार दिखेगा, देन 2 कितनी बार दिखेगा, 1 दिखा है आपका 2² - 1² तक, 2 जो दिखा है वो दिखेगा 3² - 2² तक, 3 जो दिखेगा वो दिखेगा 4² - 3² तक, इसी तरह दिखना है और 29 जाना है मुझको। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा, 1 दिखा है 3 टाइम्स, अब देखिएगा 1 दिखा है 3 टाइम्स, 2 दिखा है 5 टाइम्स, सो 3 दिखेगा, दिस वन इज 7 टाइम्स अप टू यही तक आपका दिखेगा क्या, डैट इज नथिंग बट 29, यहाँ से यहाँ 2 ज़्यादा फिर 3 ज़्यादा, तो ये अगर आप जाओगे तो दिस वन इज नथिंग बट 2 AP सीरीज को मना के ये क्वेश्चन बना रहे हैं। तो वी हैव, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखेगा, 29 यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, दिस वन इज डबल से एक ज़्यादा हो रहा है, दिस वन इज डबल से एक ज़्यादा, तो 29 58 59 जाएगा। तो ये एक सीरीज चल रहा है n, और यहाँ चल रहा है 2n+1 का मतलब 2n² + n में सिग्मा नोटेशन जाएगा, और सिग्मा जाना है 29 तक, तो ये जगह 2 × n × n+1 × 2n+1 / 6 × n × n+1 / 2 सिग्मा नोटेशन मुझको डालना है 29, सो वी हैव 2 × 29 × 30 × 59 / 6 + 29 × 30 / 2, यहाँ से यहाँ जाएगा 5, यहाँ से यहाँ जाएगा 5, यहाँ 5 लास्ट में होना चाहिए, यहाँ 0 लास्ट में 5 होना चाहिए, सबके लास्ट में 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखे क्या, वी हैव 1 12 2 10, ये देगा 1, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, 10 10 1, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए 2, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 किसका दे रहा है, 9 हटा 9 हटा 6 11 2 नहीं है, 9 हटा 8 9 नहीं है, 9 हटा 9 7 नहीं है, वी हैव 9 हटा 7 5 12 1 13 4, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं फंस गया क्या, यहाँ कितना आ रहा है, ओके वी हैव 2 10 1, न्यूमेरिकल वैल्यू में मैं कहीं फंस गया हूँ, तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 5 5 10 10 2, न्यूमेरिकल वैल्यू फंस रहा है मेरा क्यों, 8 5 14, ठीक है लेकिन फंस रहा है तो कैलकुलेशन करते हैं, 8 मिनट बचा हुआ है, तो मुझको करना है 2 × 20, कहीं मैंने प्रेशर में न्यूमेरिकल वैल्यू गलत कर रहा हूँ, 59 × 5 × 59, ये हुआ 11710, और यहाँ है 145 प्लस 17255, तो इसके आसपास होगा, यही होना चाहिए, कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ मैं कहीं, इसके आसपास 17255 से ज़्यादा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कमाते हैं, कहीं कैलकुलेशन गलत है बट मेरा ये ठीक है, टाइम नहीं बचा हुआ है। ओके क्वेश्चन नंबर 7, दिस फॉर ईच वैल्यू ऑफ 2 एलिमेंट्स यूज ग्रेटर दैन द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट इज नोटेड, 2 एलिमेंट का सबसे जो ज़्यादा होगा उसको नोट करते हैं सम ऑफ द, ओके अगर मैं 1 से बनाऊं तो यहाँ पे 2 से लेके n तक जाएंगे, मान लेते हैं 3 ही नंबर है, तो वी हैव 1 2 3, n का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 2 में काम करूँ तो 2 होगा, 1 3 में काम करूँ तो क्या होगा 3 होगा, अगर मैं 2 3 में काम करूँ तो 3 होगा, टोटल इज 6 6 8 8 आना चाहिए मुझे, अब 8 दे क्या रहा है, n इज 3 6 ही 3 8 चाहिए मुझे, 4 सी 3, आंसर यही होगा, 4 मतलब 4 सी 3 इज 4 × 2 इज द 8, जहाँ तक मुझको लगता है आंसर यही होना चाहिए, इतना कैलकुलेशन तो मैं करने से रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 34, टू कंप्लीट अ जॉब क्यू टेक्स
मोर, ये मोर और लेस पता नहीं है, पसंद नहीं है. क्यू टेक्स 20 डेज मोर देन पी, आर टेक्स 30 डेज मोर देन क्यू टू कंप्लीट द जॉब. द रेट ऑफ द एस वन, अच्छा रेट दिया हुआ है. एस इज द वन थर्ड ऑफ द क्यू, एस इज द वन थर्ड ऑफ द क्यू एंड द क्यू आर टुगेदर टेक द सेम टाइम एज द पी एंड एस टुगेदर. क्यू एंड आर टुगेदर टेक्स द पी एंड एस टुगेदर. क्या बक, एस टेक्स हाउ मेनी डेज, कितने लोग हैं. क्यू टेक्स 20 डेज मोर देन पी, आर टेक्स 40 डेज मोर देन क्यू. एस इज वन, क्यू एंड आर, चार लोग कहां से आ गए. अब ये काम, रेट ऑफ वर्क ऑफ एस इज वन थर्ड ऑफ द क्यू, एस का वन थर्ड क्यू है, एस का वन थर्ड क्यू है. तो यहां पे आर टेक 40 डेज मोर, यहां 20 डेज मोर है, आर टेक्स 40 डेज मोर देन क्यू. अच्छी बात है. रेट ऑफ एस इज वन थर्ड ऑफ द रेट ऑफ क्यू, अच्छी बात है. क्यू एंड आर टुगेदर टेक सेम टाइम एज पी एंड एस टुगेदर. यहाँ पे अगर क्यू का रेट 3 है, इसका प्लस एक्स मान लेते हैं, एंड यहाँ एस का 1 है प्लस वाई, ये क्या दे रहा है. एक्स माइनस वाई माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2. मुझे निकालना है एस में हाउ मेनी डेज टू मोर देन क्यू. कुछ मैं गलत क्वेश्चन को इंटरप्रेट करता हूँ क्या. इन्हीं इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है. कौन सा क्वेश्चन छोटा सा उसको देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे. वी हैव इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखना है. वी हैव नथिंग बट ट्रायंगल, ट्रायंगल कैलकुलेटिव है. तो अभी तक मेरे पास जो भी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कैलकुलेटिव हैं. 34 क्वेश्चन कौन सा है, खुलो. अरे 34 खुल नहीं रहा है, क्या हो गया, मेरा नेट बैठ गया क्या. नेट तो चल रहा है, ये सिस्टम हैंग क्यों किया. मैं इसको बंद करके, ये उस समय भी रीस्टार्ट होने में प्रॉब्लम हुआ था. पेज को बाहर निकलते हैं, सेम कैट फाइल को फिर से स्टार्ट करते हैं. अनरिस्पॉन्सिव होने का क्या रीजन था. एनीवे, सो हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 20 कैलकुलेटिव हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 21 इसको बनाया जा सकता है. 20 इज द ट्रायंगल फॉर्मेशन, ये कैलकुलेशन टफ होगा. क्यू एंड आर इसको, तो पहले बनाते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन को. 4x 10y 4z किसी तरह बनेगा. 4x 10y 4z 14, डैट इज 4x 10y 4, नहीं मुझको इक्वेशन, इसमें ए और बी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना है, मुझको ये पता है. उतना टाइम मैं देना नहीं चाहता हूँ, वो हेडेक होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है. क्वेश्चन नंबर 27 टाइम कंज्यूमिंग है. 29 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बनाना है. मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, आपको मैं बना देता हूँ कि होगा कैसे. इस क्वेश्चन नंबर 27 में आपको करना क्या है, 6x प्लस, अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता तो इसको बना देता, इक्वल टू 22. इसमें मुझे ए मल्टीप्लाई करना हो, इसमें बी मल्टीप्लाई करना है, इसमें सी मल्टीप्लाई करना है. इसको कोफिशियंट को आपके 4 से इक्वेट करना है, देन इससे इक्वेट करना है, और हमें सी को भी चेक करना होगा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं. तो ये कैलकुलेटिव है. 29th में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स एक्सिस. 29th में मुझे क्या करना है, नीचे आ जाओ. इन द 29th वी हैव टू डू नथिंग बट टू ड्रॉ एक्सिस लाइन. पहला क्या है, 2x इज इक्वल टू 6. 6 का मतलब है यहाँ ये 3 से क्रॉस करता है, यहाँ 6 से क्रॉस करता है. पहला ये हो गया है. दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू -3, x -3 से क्रॉस करता है. y इज इक्वल टू 3 से क्रॉस करता है, तो ये यहाँ क्रॉस करता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा. और y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2. तो मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में इक्वेशन निकालना है. मैं बेटर मैनुअली क्रॉस चेक कर लूँगा, या बाकी अगर कोई थ्योरम्स आपको पता है या जो मुझको पता है मैं उसको भी इसमें लगा के देख सकता हूँ. बाउंड्री के पॉइंट्स कितने होंगे, देन आपके बाउंड्री पॉइंट्स कितने हैं, देन इनसाइड पॉइंट कितने हैं, फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल देंगे. तो मैं चाहता हूँ कि 4 क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये क्वेश्चन पर एक बार पढ़ते हैं फिर से. मेरे को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना.
क्यू टेक्स 20 डेज मोर देन पी, क्यू टेक्स 20 डेज मोर देन पी, पहला देखते हैं प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे क्या, फाइन दो लोग हैं, आर टेक्स 40 डेज मोर देन क्यू, लिखते हैं नॉर्मल करते हैं, वन बाई क्यू वन बाई पी, 20 डेज ज़्यादा है एनीवे ठीक है, अगर p को मैं x मानूं तो ये x प्लस 20 डेज लेता है, नाउ r टेक्स 20 डेज मोर देन q, r टेक्स 20 ये x प्लस 40 डेज 60 डेज लेता है, यहाँ तक मुझे पता है, कंप्लीट द जॉब, द रेट ऑफ वर्क ऑफ s इज वन थर्ड ऑफ q, s इज वन थर्ड ऑफ q, तो इसका मतलब s का वन थर्ड है, तो x लेता होगा 3x अपॉन 60, ट्रिपल टाइम लेता होगा, q एंड r टुगेदर टेक्स द सेम टाइम, q एंड r, इट मीन्स ये है x प्लस 20 एंड 3x प्लस 60 अपॉन 4x प्लस 80 इज सेम एज p एंड s टुगेदर, qr मुझे qr निकालना है, मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ, वी हैव q एंड r, तो यहाँ q एंड r है, ये x प्लस 60 एंड 2x प्लस 80 इज इक्वल टू p एंड s, p एंड s हो जाएगा आपका कितना 3x प्लस 60 इंटू एक्स अपॉन 4x प्लस 60, अब इक्वेशन सॉल्व करना है यार, कोई वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा क्या, मेरे पास एक मिनट बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर्स जनरली वैल्यूज पे ही क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मुझको वैल्यू सेटिस्फाई करवाना होगा तो मैं कौन से वैल्यूज को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाऊँ, कुछ दिखे ही नहीं रहा है मुझको, तो अभी ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, उसको निकालना है, ओके, तो वी हैव, अगर मेरे पास, मैं आपसे बात नहीं कर रहा तो ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करता, तो अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं अपने आपको पॉज करता हूँ, आप ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और वो सही हो गया विथ कंडीशन अप्लाई, तो आप मुझको पिंग कर सकते हो कि ये बना कैसे, और ये चार जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मतलब दिस वन इज अ कैलकुलेटर, मैंने पढ़ा भी नहीं, हो सकता है इजी क्वेश्चन हो, मुझको पढ़ने का मन नहीं है अभी, दिस वन इज ए बी सी बी, ए बी सी बी कॉन्सेप्ट मुझको पता है क्या है, दिस वन इज अगेन वी कैन यूज दी थियोरम्स और डायरेक्ट मैनुअल सॉल्व कर सकते हैं, 27th क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में है क्या, टॉपिक देख लेते हैं, टू कंपनीज रेफ्रिजरेटर जनरेटिंग रिजल्ट, फाइन तो रिजल्ट दिखा जाए, मैंने क्वांट दिया 34 अनअटेम्प्टेड 4 अटेम्प्टेड दिस स्कोर रॉन्ग, रॉन्ग एक भी नहीं है, ग्रेट रॉन्ग एक भी नहीं है, ये अच्छी बात है, रॉन्ग नहीं है तो ये आपका है, एंड सैम कैट में शायद रैंकिंग वैंकिंग नहीं दिखती होगी, मैंने कुछ और स्कोर नहीं किया तो मुझको नहीं पता कि रैंकिंग कितनी होगी, तो इसको अभी बंद करते हैं, इसे रिफ्रेश किया जाए, सैम कैट 5 को ओपन किया जाए, QA में आया जाए, अटेम्प्टेड 30 रैंक, शायद ये ओवर रैंक दिखा रहा होगा, 30 करेक्ट 90, मतलब एक सेक्शन देके आप 530 रैंक पे लेके आ सकते हो, बुरी बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 वाज द कैलकुलेटिव, ये कैलकुलेशन है नहीं देखना है, 27 में वो वही करेगा, देखने कोई फ़ायदा तो है नहीं, 29 भी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, 34th इक्वेशन ऑलमोस्ट बन चुका था, इसको सॉल्व करने में हेडेक है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, तो आई होप ये क्लियर है, दिस वन इज माय वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, अगर मेरे पास टाइम होता और मैं नहीं बात कर रहा होता तो शायद 15 मिनट पहले ही मैं ये चारों क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ उसको सॉल्व कर सकते थे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, आप इसी टाइप से काम रहा कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, दिमाग में बोलते रहिए अच्छा इसमें ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है, कीजिएगा, बिकॉज दिस वन इज माय वे, ठीक है, तो मैं इसे अपलोड करता हूँ, कोई भी अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में आपने कैसे अप्रोच किया आप मुझको पिंग कर सकते हैं, इस वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख के बहुत जल्द इसको रिप्लाई करूंगा, ओके, विथ ऑल बेस्ट विशेस, माय सेल्फ फ्रॉम हियर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।